अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ पुरानी दिल्ली की मशहूर बटर चिकन यानी के तसला बटर चिकन, असलम बटर चिकन की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं तसला बटर चिकन बनाने हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन लिया था, इसके बड़े बड़े मैंने टुकड़े करवाए थे और इसे मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे बड़े बड़े पीसेस कराए हैं। आप चाहे तो अपने पसंद से छोटे या बड़े करा सकते हो। अब मैंने इसका पानी सारा ड्राई कर लिया है और इसको मैंने कट्स लगा लिए ताकि मसाले हमारे अंदर तक अच्छे से लगे। अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक मिलाया है, 1/2 चम्मच डाल दिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है मैंने चाट मसाला, 1/2 चम्मच डाल दिया भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने डाला है आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 नींबू का रस डाला है। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 कप मैंने डाला है दही। देख सकते हो आप लोग, दही में मेरे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो देखिए, अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से लग जाए। तो देखिए, मैंने सारे मसाले लगा दिया है इसमें। मैं एक चीज़ डालना इसमें भूल गई थी, तो मैंने इसमें हरी मिर्ची डालना भूल गई थी। तो चलिए अब इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्चों को इस तरीके से दरदरा सा मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसमें हम इससे डाल देंगे। इसमें हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैंने इसे 5 घंटे के लिए रखा है, आप चाहे तो आधे घंटे के लिए रख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है दही और इसके अंदर ये पूरा 1 पैकेट मैं अमूल फ्रेश क्रीम का मिला दूँगी। ये हम इसकी ऊपर की क्रीम बना रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। ये बहुत ही बढ़िया सी क्रीम बनके हमारी रेडी होगी, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो देखिए, मैंने सारे क्रीम को इसमें डाल दिया है और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है 1 कढ़ाई जिसमें हमें अभी चिकन को फ्राई करना है। तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाला है बटर। अब हमें बटर को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। जैसे ही बटर पिघल जाए हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन के पीसेस। तो देखिए, मैं हाई फ्लेम पे इसे इस वक्त फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमें चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर लाना है, तो इसलिए मैं इस वक्त हाई फ्लेम रख रही हूँ। अगर मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया तो चिकन पानी छोड़ देगा और इस पर अच्छा सा कलर नहीं आएगा, इसलिए पहले इसे हाई फ्लेम पे ही दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक हम पकने देंगे। तो देखिए, मैंने सारे चिकन को अच्छे से सेट कर लिया है और 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया और इसके बाद देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया इसके ऊपर कलर आया है। अब इसे हम बहुत ध्यान से पलट लेंगे ताकि हमें दोनों तरफ से अच्छा सा कलर लाना है। तो देखिए, मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छे से पलट लिया है। अभी हम दूसरी तरफ भी इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो चलिए देखिए, मैंने इसे पलट लिया है। अभी इसे मैं दूसरी तरफ से भी पकने दूंगी 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हो चुका है और दोनों तरफ से बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है। अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी मीडियम टू लो और इसे ढक के 5 से 6 मिनट पकने दूंगी ताकि हमारा चिकन गल जाए। 5 से 6 मिनट हो चुका है, चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और आप लोग देख सकते हो इसमें कितना पानी है। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है और आप लोग देखिए चिकन कितना अच्छा टेंडर हो चुका है। अब हमें इसका सारा पानी सुखाना है, तो गैस का फ्लेम फिर से हम हाई करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए, सारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, चिकन में भी बहुत बढ़िया सा कलर आया है और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे चिकन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने गैस पे 1 जाली चढ़ाई है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप चिमटे की मदद से भी गैस पे 1-1 पीस को सेक सकते हो, या आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें आप चिकन को तंदूर कर लीजिए या ओवन में भी कर सकते हो। तो देखिए, मैंने जाली के ऊपर चिकन को अरेंज किया है और हाई फ्लेम पे ही इसे मैं सेकूंगी ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए और इसके ऊपर तंदूरी डॉट्स आ जाए। तो देखिए कितने अच्छे से ये सिक रहा है और इसका धुआं आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही थी इस वक्त। तो इसे हम अच्छी तरफ से चारों तरफ से अच्छे से इसे सेक लेंगे।
देखिए कितना बढ़िया इस पे कलर आया है। चलिए इसे निकाल लूँगी मैं, और इसी तरीके से मैं सारे चिकन को इस तरीके से मैं इस पे सेक के तैयार कर लूँगी। चलिए इसे भी हम सेक लेते हैं। फ्लेम को इस हाई ही रखिएगा ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, तंदूरी डॉट्स आ जाए इसके ऊपर। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब इसे बना के खाओगे तो यकीन नहीं होगा कि ये आपने घर में बनाया है। इतनी बढ़िया सी डिश, इतने मज़े की बनती है। अगर आपके घर में मेहमान आए तो ये डिश आप लोग इसे ज़रूर सर्व कीजिएगा। देखिए मैंने इसे निकाला है एक बड़े से बर्तन में। अब यहाँ पर जो मैंने क्रीम और दही का बैटर लिया था उसमें मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया है चाट मसाला, और हाफ टी स्पून भुना जीरे का पाउडर डाला है, तो चुटकी भर नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी क्रीम हो गई रेडी। तो चलिए अब इसे हम डाल देते हैं हमारे चिकन के ऊपर। ये तसला चिकन है, मेरे पास तसला तो था नहीं तो मैंने इसे बड़े से थाले के अंदर सेट किया है। देखिए अच्छे से सारी क्रीम को इसके ऊपर अरेंज कर लीजिए। और ये मैंने आधा कप बटर को अच्छे से गरम किया है। बटर को हमें गरम करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और गरम गरम बटर आप इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। आप चाहे तो और ज़्यादा भी डाल सकते हो, जितना बटर डालोगे टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। और लीजिए हमारी पुरानी दिल्ली का बटर चिकन रेडी है, असलम बटर चिकन। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को